नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार, कंसल्टेंट एशियन सिटी हॉस्पिटल। आज हम लोग बात करेंगे नवजात शिशु में ठंड से बचाव एवं निमोनिया के लक्षण के बारे में। नवजात शिशु जो जस्ट अभी न्यू बॉर्न हुए हैं, हम लोग एक मंथ तक के अंदर के बच्चों में विशेष ध्यान देते हैं ठंड से बचाव के लिए। अक्सर जैसे अभी ठंडा का दिन चल रहा है, एक तो हम लोग जानते हैं कि वेल कवर्ड रखना है बच्चे को ठंड से बचाव के लिए। उसके अलावा जो है हीट का लॉस शरीर से डिफरेंट माध्यम से होते हैं। सर का जो है, बच्चे का जो सर होता है उसका जो है सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, एकदम हाथ पैर का भी सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। जनरली लोग पूरे बॉडी को कवर कर देते हैं, सर खुला छूट गया या हाथ खुला छूट गया या पैर खुला छूट गया, तो उससे फिर हीट लॉस होता है, जिसके कारण बच्चे को जो है हाइपोथर्मिया हो सकता है, ठंड लग सकती है बच्चे को। तो उसके लिए क्या है कि कपड़ा तो आपको पहनाना ही है, साथ में आपको जो है प्रॉपरली हैंड को में ग्लव्स लगाना है, पैर में सॉक्स लगाना है, बेल कवर्ड होना चाहिए बच्चा, जिससे कि हीट लॉस से उसको बचाया जा सके। तो ये एक तरीका हो गया ठंड से बचाने का। उसके बाद क्या है कि बच्चे को प्रॉपर फीडिंग कराना है, क्योंकि जो बच्चा फीड लेता है वो भी हीट जनरेट करता है। तो जितने अच्छे से फीड कराएंगे ठंड के दिन में भी, उतना अच्छा वो जो है ठंड से बचेगा। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और फिर फीडिंग कराना है बच्चे को अच्छे से। अब दूसरा चीज़ है निमोनिया का लक्षण। छोटे बच्चे में निमोनिया को कैसे असेस करेंगे या कैसे पहचानेंगे? बच्चा जैसे छोटे बच्चों में क्या है क्या कि खांसी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा खांसी नहीं। जैसे बड़े में बच्चों में पता चल जाता है कि बहुत अत्यधिक खांस रहा है, तो हो सकता है ये निमोनिया हो। फीवर हम लोग मेजर कर लेते हैं बड़े बच्चों में, लेकिन छोटे बच्चों में क्या है ये पता नहीं चल पाता है। तो एक प्रभावी तरीका ये है कि बच्चे का श्वसन दर देखें हम लोग, यानी रिस्पिरेटरी रेट, है ना। रिस्पिरेटरी रेट देखने में हम लोग क्या करते हैं कि उसके बच्चा अगर को अनकवर्ड करके थोड़ी देर के लिए पेट देखिए उसका, और सीना देखिए। अगर देखिए पेट जो है जनरल जितना नॉर्मली धंसता है उससे ज़्यादा नीचे की तरफ जा रहा है, जिसको हम लोग सबकोस्टल रिट्रैक्शन बोलते हैं, श्वसन दर तेज है, जितना लेना चाहिए उससे अधिक है, जो हम लोग गाँव के भाषा में बोलते हैं पंजरी मार रहा है, तो ये निमोनिया का लक्षण हो सकता है। दूसरा है क्या कि बच्चा जो है दूध पीना कम कर देगा, ठीक है, अत्यधिक रोएगा, है ना, सांस की गति तेज हो जाएगी, या बुखार भी हो सकता है। ये सब निमोनिया के लक्षण हैं। ये इस तरह के लक्षण होने पे आप तुरंत नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि निमोनिया जो है कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है। समय रहते अगर आप डॉक्टर के पास पहुँच जाएंगे, ट्रीटमेंट ले लेंगे, तो इन सब चीज़ों से बचाव हो सकता है। तो ये लक्षण के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा।